हाँ सिर्फ एक ही चीज देखी है, भीड़। भीड़ जबरदस्त जिस तरह से होना चाहिए भाई, कसम से दिमाग खराब हो गया एकदम से भीड़ देखकर। जो लोग मिले हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं मिले हैं उनका भी शुक्रिया, और जो लोग अभी हमें मिल रहे हैं तो उनका भी मतलब है। हाँ दोस्तों, मुहर्रम की 11वीं तारीख है और अभी तक हम अपने घर से बाहर कहीं नहीं गए थे मेला देखने के लिए या बाबा जो जुलूस होता है वो देखने के लिए। बस अपने गांव की तो पचपड़वा, बस इससे आगे नहीं गए हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर रूपी 47 में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ से करीब तकरीबन 45 किलोमीटर दूर रानीपुर एक जगह पड़ रहा है उतरौला के पास, तो आज हम वहाँ पर चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए। सुना है कि मतलब वहाँ का जो मेला लगता है और जो रोज़ा है बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है, और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चलकर वहाँ पे दिखाता हूँ। रास्ते में क्या होता है वो सारी चीज़ आपको दिखाते हुए बताते हुए अपना चलते हैं। तो एक गाड़ी पर हम तीन लोग हैं, एक ये बैठा हुआ है, एक भी आ रहा है, और काफ़ी लंबा सफ़र है, तीन लोग दिक्कत होगी लेकिन क्या करें, चलेंगे किसी तरह से। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हमारी सफ़र को कामयाब करे। तो भाई साहब हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। तो ये टेंशन भाई बढ़ गया है, देर मत देर, रेलवे क्रॉसिंग क्लोज है, अब जब ट्रेन आई निकल जाएगी तब के बाद मैं यहाँ से निकला। और 45 किलोमीटर तो वैसे पड़ा था उतरौला, उतरे आगे कितना दूर जाए पड़े नहीं पता है। चल भाई चल निकल जल्दी चलिए। काला छोटा पहाड़ निकली सीधा इंजन था। अगर कितना भी जल्दी हो तो हम जिस रोड पर चल रहे भैया, समझ लो कि जहाँ एक घंटा लगना हो वहाँ दो घंटा लगेगा, इतना ख़राब रोड है ये। बस यही 5-6 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद में फिर बढ़िया रोड आ जाएगा, फिर बढ़ना चलेंगे, फिर पहुँचेंगे वहाँ पर। हमारे गांव वाले बाकी लोग पहुँच चुके हैं, बस सभी लोग पीछे हैं, तो रास्ते में हैं, अभी रानीपुर पहुँचेंगे करीब 1-8 घंटे में। देखो कितना समय लगता है, ये वाला रोड क्रॉस कर लें उसके बाद में समय नहीं लगेगा पहुँचने में। देख सकते हैं किस तरह का है। अगर कहीं भी जाना हो तो साथ में दूसरा बैठने वाला भी मतलब ड्राइव करना जानता हो तब तो भाई ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो दूसरा आदमी ड्राइव करने लगे। तो पचपड़वा से जैतापुर आने में अगर मुझे 45 मिनट लगा होगा तो जैतापुर से यहाँ सिंगार जोत आने में मुश्किल से मुझे 10 मिनट लगा होगा, क्योंकि इधर का रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, खूब बढ़िया है, टू लेन है। और जहाँ पर मुझे जाना है भाई उस जगह का नाम नहीं मालूम है, बस इतना हम जानते हैं रानीपुर। रानीपुर कहाँ पे पड़ता है ये नहीं पता है, बस एक थोड़ा सा मतलब हम व्यू यहाँ का दिखा दें राप्ती नदी का, क्योंकि हम राप्ती नदी पर खड़े हुए हैं और उधर पीछे हमारे जुलूस लगा हुआ है मुहर्रम का। तो पता नहीं यही रानीपुर है कि और कोई रानीपुर है, कहाँ पर है, हम इससे बोल रहे हैं कि ये फ़ोन लगाए अपने भाई को तो वो बताएगा, उसके बाद में तब फिर यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले यहाँ का व्यू देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं ये राप्ती का पुल है और ये राप्ती नदी है। बारिश हुई नहीं है इसलिए बाढ़ है नहीं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं रोज़ा रखा हुआ है ये। अब पता नहीं रानीपुर यही है कि कोई और जगह है, तो चलकर वहाँ पर पता करते हैं, उसके बाद में फिर इधर का व्यू देख लीजिए। ये राप्ती नदी वाला, बाकी हमारे साथी लोग यहाँ पर हैं, देखिए। हम भाई साहब अपनी ज़िंदगी में इतना भीड़ नहीं देखे हैं जितना मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं। शायद इतना तो हमारे बरगदई में और पछावा में भी होता होगा जितना यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से यहाँ पे चल रहा है, और अभी मतलब वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, मतलब जहाँ तक मुझे भैया। हाँ भैया ठीक है, भैया ठीक है, जहाँ मुझे पहुँचना है। तो देख सकते हैं आप बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बेशुमार भीड़ है भाई यहाँ पे, कसम से ना। इस तरह का मेला तो हमने अभी तक देखा ही नहीं भाई, कसम से यार, आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी आगे हम चलकर दिखा रहे हैं। मेरा
के लिए निरवा के बबलू भाई जहाँ के भी हो ताजिया के साथ चले आए, उनके दोस्त के भाई यहाँ पे इंतजार कर रहे बड़े बेसब्री से जल्द चले आए। भानपुरवा के सैयदा जहाँ के बाद चले आए माधुरिया मोड़ के बच्ची जहाँ का नाजिया गुम है, अगर किसी के मिले हो ताजिया के पास रब्ता करे। भागे जन्नत के है बहरे मदहाने अहद गए तुम को जलाना रिकाए सख्त गर्मी है यहाँ, जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, इस जगह को पहली बार मैंने विजिट किया है। अभी एक जगह और है बड़ा बुजुर्ग, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर वो भी होगा, तो देखते हैं जब तुम कहेगा तो जाएंगे, नहीं तो भैया हालत तो खराब होगी यहीं पर भी निकल जाएंगे यहाँ से, बड़ा मुश्किल है जिंदगी यार। तो भाई साहब हम रानीपुर से निकल रहे हैं ग्रास बुजुर्ग के लिए, तो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। एक हमारे गांव के और आए थे बबलू, तो वो यहाँ से मतलब जा चुके हैं, ये मैंने फ़ोन किया था, तो हमने कहा कि ठीक है चलो हम भी आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं भैया। यहाँ पीछे लग रहा है गाड़ी वाले से कोई मसला हो गया है, अब उसको रोके हैं, उसके बाद में उसको कह रहे हैं साइड में लगाओ, ये करो वो करो, पता नहीं क्या मसला है। और भीड़ देख कर भाई क्या कहें यार, गाड़ी तो यही खड़ी है ना, गाड़ी अपनी उधर और गाड़ी हम यहाँ पर खड़ी कर गए थे, ये देखिए नीचे एकदम सेफ जगह, कोई धक्का वक्का ना दे भाई, जैसे बरगदही में यहाँ हमारे पचपड़वा में यहाँ पूरे इलाके के लोग मतलब तीसरी के यहाँ पहुँचत हैं, वैसे रानीपुर और ग्यारस बुजुर्ग में यहाँ पूरे इलाके के लोग पहुँच जाते हैं, मतलब यहाँ मेरा देखे कच्ची। अब देख लो कि गाड़ी के ताता नहीं टूटत है, इतना लोग जाता आवत है, ये देखो कब आते हैं यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, और थोड़ी देर में हम पहुँचे थे वहाँ, वहाँ के भी मतलब नज़ारा दिखाई। दरअसल आप लोग जानते हैं कि मतलब रानीपुर हम आए थे, तो रानीपुर से निकल कर जा रहे थे यहाँ ग्यारस बुजुर्ग, तो बहुत लोग मतलब मिले हैं, बहुत फॉलोअर मिले हैं, लेकिन भाई मैंने निगाह नहीं मिलाया है, अगर निगाह मिलाते तो शायद हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा फॉलोअर है हमारे इधर, तो 2-3 भाई साहब मिल गए हैं, तो ये लोग मतलब बार बार मुड़ कर देख रहे थे, तो हम समझ गए कि रुकना मुनासिब है भाई, बाकी लोग तो आते थे चले जाते थे बस आवाज़ दे के अपना निकल जाते थे, तो खैर मैं उन लोगों से कहूँगा भाई अपने दिल में कोई मलाल मत रखना, अगर आप आवाज़ देते रोकते तो मैं ज़रूर रुकता, लेकिन जब आपने रुका ही नहीं तो हम रुक कर क्या करेंगे, तो हम भी सीधे निकल रहे थे। तो ये भाई साहब हैं जो उतरौला साइड के रहने वाले, कहाँ के भैया? रुन्नी जोत, क्या नाम है आपका? रसूल वाहिदी। अच्छा आपका क्या नाम है भैया? सईदुल्लाह। सईदुल्लाह नबी। तो ये सब लोग मतलब यहीं के रहने वाले हैं, तो ये लोग भी जा रहे थे ग्रास बुजुर्ग मेला देखने के लिए, हम भी जा रहे थे वहाँ थे वहाँ से यहाँ, और यही मतलब चल रहा है, इधर से लोग उधर जाते हैं उधर से लोग इधर जाते हैं, यानी पूरा दिन यही रहेगा। तो ये मेला कब तक लगेगा? कल तक रहेगा क्या? रात में भी रहेगा? कल रात में नहीं रहेगा। अच्छा आज रात में रहेगा, कल ख़त्म होगा शाम को, ये बात है। तो हम लोगों को कल ही आना चाहिए था लेकिन आज हम चले आए, खैर कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों से मिलकर काफ़ी खुशी हुआ। बाकी जितने फॉलोवर हैं हमारे उतरौला साइड के भाई, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो लोग मिले हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं मिले हैं उनका भी शुक्रिया, और जो लोग अभी हमें मिल रहे हैं तो उनका भी मतलब है जिससे इस्तकबाल है। तो चलते हैं मेले में, आए चलिए। ओके भाई, ये सरजू नहर का नहर माना जाता है, नहर बोलते हम लोग। अच्छा सरजू नहर नहीं है, चलो फिर उनका चलो, नहीं तो आउट लोग ही हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्यारस बुजुर्ग और चलते हैं मेले में, और यहाँ भी देखते हैं क्या है, ऐसा है यहाँ पर भी माहौल और भीड़ भड़क का तो यहाँ मतलब पहले वहाँ से कम है ही, देखिए
यहाँ तक आने के लिए बहुत लंबा रन करना पड़ा है मुझे। मेले में भी बहुत लोग मिले मुझे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, भाई अगर आप लोग देखते हैं या मिलते हैं ये तो देखिए मत, जरूर हमारे पास आइए, प्रणाम दुआ होगा, हालचाल होगा, अगर आपको फोटो फोटो खिंचवाना है जो भी करना है आप आकर कर सकते हैं। लेकिन हमने मेले में देखा भाई कि आप लोग मतलब पीछे पीछे हमारे चल रहे थे और कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। करीब दो चार लोग तो मिले थे, तो मतलब उनसे मैंने खुद ही मतलब पूछा, बात किया, फ़ोटो वोटो खिंचवाया। तो डरिए मत यार, आइए ज़रूर। तो मेरे से हम निकल आए हैं, चल रहे हैं सीधे घर के लिए। तो उतरौला में भी रुकेंगे, कहीं पर रुककर चाय पानी पियेंगे, क्योंकि सुबह जब से निकले हैं 1 बजे से अभी तक हम लोगों ने पानी नहीं पिया है। तो उतरौला वाले रोड पर खड़े हैं, हम देख सकते हैं आप, बाकी मेला से लोग अपना चले आ रहे हैं, कचकचाहट देख सको। पूरा दिन खाई चक्कर लगाए भाई, अब जाए के यहाँ ही सिंगार जोत, यहाँ पर रुक के चाय पानी पी थी। जिन भाई लोगों को क्रास बुजुर्ग या रानीपुर या ये सिंगार जोत यानी राप्ती वाला मेला देखना है, वो लोग 11वें को नहीं, अगर वो तीसरे दिन आए तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि भीड़ तो वैसे आज भी बहुत ज़्यादा थी, कल भी ज़्यादा रहेगी, रात में भी रहेगी, और काफ़ी मज़ा आया देखने में। हम लोग काफ़ी दूर से आए थे, लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं होती आने के लिए, क्योंकि धूप की वजह से इतनी गर्मी थी कि एकदम हालत ख़राब हो गई। पूरा दिन हम लोग ऐसे चलते रह गए इधर से उधर, और कहीं पर रुककर पानी तक नहीं पिया है। तो यहाँ आए सिंगार जोत तो चौराहा राप्ती के नीचे, वहाँ पर रुके, वहाँ पर चाय पानी पिया। तो अब हम लोग सीधे चल रहे हैं घर के लिए। पूरा दिन अल्लाह पाक की घामे में है, एकदम से कलहर डारिन, और इतनी टाइम के मौसम देख सकते तो कौन में रह गया है, और रोज ऐसे बादल उठत है लेकिन बारिश एक दिन नहीं होता है कि हमने ये एक दिन बारिश हो जाए। अब खेत भाई एकदम से देख लो पूरा ही है, पूरा एकदम से सूखा है, पूरा खेत जितना है पानी के नामो निशान नहीं है। तो पोखरा रही हो, पोखरों सूखा है, देख लियो। अब ऐसे बादल उठा, अगर पानी बरस दिए पूरा रात तो चारों तरफ से पनिए पानी नजर आई, सब सूखा है एकदम से, ये तालाब भी सूखा देख लो। चलो भैया, तो आज का ब्लॉग जो है वो ब्लॉग बहुत महंगा पड़ गया हमारे लिए, क्योंकि हम जो सोच कर निकले थे घर से कि वहाँ पर जाएंगे तो लठबाजी होगी और वगैरह वगैरह तरह की मतलब खेल होंगे, वो खेल भी हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में। क्योंकि मैं पिछले साल जब नेपाल गया था तो मैं लठबाजी के चक्कर में गया था, लेकिन वहाँ भी वो चीज़ नहीं देखने को मिला था, और आज जहाँ मैं गया वहाँ भी नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हमने 500 रुपये का पेट्रोल खर्च किया है और देखा कुछ नहीं, आप लोगों ने वीडियो में देखा, हाँ सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, भीड़ जबरदस्त, जिस तरह से होना चाहिए भाई, कसम से दिमाग खराब हो गया एकदम से भीड़ देखकर। तो अभी मैं पहुँचा हूँ घर। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए यार। मुहर्रम का मेला था जो हमने आप लोगों को दिखाने के लिए घर से गया, उसी धूप में उसी गर्मी में इतना परेशान हुआ यार, अगर कुछ नहीं है तो कम से कम चलकर वही दिखा दें, फर्स्ट टाइम था इसीलिए मैं चला गया भाई और दोनों जगह पर गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।